good morning students uh, today our topic is planning versus forecasting so this is from the subject human resource management uh, in the previous video we have discussed about human resource planning and about it uh, so today we will uh, discuss about planning and forecasting so remember planning is not forecasting forecasting is guessing of the future course of events correctly वी ऑल नो अबाउट प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग जब हम किसी काम को करने से पहले किसी चीज़ को सोचते हैं उसको अपना माइंड सेट बनाते हैं वी वी गेट प्रिपेयर फॉर द सेम उसको हम बोलते हैं प्लानिंग बट फॉरकास्टिंग इज़ डिफरेंट दैन प्लानिंग फॉरकास्टिंग में हम एक गेस्चर लगाते हैं एक गेस करते हैं ताकि हमारा एक फ्यूचर का एक अंदाज़ा लग जाए हम उसको सिर्फ प्रोडिक्शन करते हैं सो दैट इज़ फोरकास्टिंग जहाँ पे प्लानिंग एक वाइडर टर्म है दैट इंक्लूड फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग नॉट प्लानिंग इज़ द पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग सो प्लानिंग जो है वो वाइडर रेंज पे है एंड फोरकास्टिंग उसका एक पार्ट है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड हम ऑलवेज जितनी बार भी हम फोरकास्टिंग करते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसिस को लेकर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर उसकी फोरकास्टिंग की जाती है लेट्स पोज इन अ बिजनेस वी वॉन्ट टू चेक द प्रोग्रेस रेट और द सेल्स फोर्सेज सो वट वी विल डू वी विल जस्ट गो थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंसिस एंड द प्रजेंट सिचुएशन देन वी विल डेफिनेटली कवर अप द सिचुएशन दैट वॉट विल बी गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर सो दैट इज फोरकास्टिंग जब हम अपने प्रोडक्ट को उसकी सेल्स को देखें कि ये आज इतना इसका सेल्स है कल इतना था आगे कितना होगा इस ईयर में इस सीजन में हमारा ये प्रोडक्ट इतने क्वांटिटी uh, में सेल हो रहा है इतने प्रॉफिट uh, में सेल हो रहा है तो हमारा कल को नेक्स्ट uh, ईयर भी किस तरह से रहेगा फो दैट इज फोरकास्टिंग अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस प्लानिंग की सो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड एंड एंटीसिपेट अचीव्ड वेल इन एडवांस इंपॉर्टेंस इसकी ये है दैट अगर हम प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने से प्लानिंग पहले ज़रूरी है बिकॉज़ अगर हम प्री प्लान होके सब चीज़ें करेंगे देन हमें कोई भी ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम नहीं आरइज होगी हम चीज़ों को परफेक्टली ऑब्जेक्टिव अपने अचीव कर सकते हैं उसको ऑर्डरली मेंटेन कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन से बहुत दूर हो जाते हैं अगर हम इन बिगनिंग ही प्लानिंग को अडेप्ट लें सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग Uh, और भी बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंस हैं लाइक टैकलिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बिजनेस अगर हमारी बिज़नेस में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कोई टफ चीज़ें हैं तो हम उसको टैकल करने की जितनी भी ज़्यादा uh, हमारे पास ट्रिक्स होंगी हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे हमारे पास उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम उसको टैकल कर सकें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं हम हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं हमारा चीज़ों पे कंट्रोल रह सकता है पूरी तरह से हम अवॉइडिंग uh, कर सकते हैं बिज़नेस फेलियर्स को जितने भी हमारे बिज़नेस फेलियर्स होने वाले हैं हम पहले से ही जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे पास एक आइडिया आ जाता है दैट हमने ये चीज़ करनी है इस चीज़ पे रोक लगानी है इस चीज़ को हम आगे फास्टली करेंगे सो so, ऐसी चीज़ों को करने से प्लानिंग ही काम आती है इकोनॉमी इन ऑपरेशन हेल्प इन कोऑर्डिनेशन कन्वर्ट अनसर्टेनिटी इनटू सर्टेनिटी जो चीज़ें हमें लगता है कि ये अचानक से आ सकती हैं उन चीज़ों का अंदाज़ा हम पहले लगा सकते हैं और उस चीज़ के लिए हम पर्टिकुलरली प्रिपेयर हो सकते हैं सो so, आपस में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाती है चीज़ एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज भी करती है

Uh, हमें बिना बताए आने वाली चीज़ें हैं जो रिस्क आने वाले हैं उसको उतना ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देगा प्लानिंग बिकॉज़ हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा हमें ऑन द स्पॉट नहीं पता चलेगा कि हमारे जैसा प्रोडक्ट ही मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है अगर हम इस चीज़ की स्टडी कर लेंगे प्लान के साथ चलेंगे तो हम बहुत पहले से इस चीज़ को जान लेंगे कि हमारा कंपेटर मार्केट में अवेलेबल है हमारा उन चीज़ों पे पूरा कंट्रोल रहेगा देन मोटिवेशन मिलेगी कॉपरेशन होगा हम ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट को प्रमोट कर सकते हैं रैशनैलिटी uh, को डेवलप uh, कर सकते हैं जितने भी हमारे मैनेजमेंट एग्जीटिव हैं उनके बीच एंड हेस्टी जजमेंट को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेड्यूस रेड टैपिज्म इनक्रेज़ इनोवेटिव थाट्स जितने भी हमारे पास क्रिएटिव माइंड इनोवेटिव थाट्स हैं वो एट प्लानिंग के टाइम पे हमें मिल सकते हैं हमें uh, पूरी तरह इन्वामेंट में हम इंडल्ज हो जाएं उसमें इम्प्रूवमेंट होती है हमारा जो एटीट्यूड है मैनेजमेंट को लेके उसमें हम एक अच्छा एटीट्यूड लेके आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट मेथड्स हमारे जितने भी मेथड्स हैं एफिशेंट उसकी हम डेवलपमेंट करते हैं अथॉरिटी को फैसिलिटेट करते हैं एंड क्राइसिस को हम टैकल कर सकते हैं देर आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्लानिंग प्रोसेस यू कैन सी देर इज एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है देन उसको इंटरनल एनवायरमेंट को भी एनालिसिस किया जाता है देन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है यू कैन सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन वॉज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इनवायरमेंट देन इंटरनल एनवामेंट का एनालिसिस किया जाता है देन अपने ऑब्जेक्टिस् को डिटरमाइन किया जाता है उसके बाद अपने प्लानिंग प्रमिसेज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स को डिटर्मिन किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं उसको एग्जामिन किया जाता है ताकि हम आगे उस चीज़ को परफॉर्म कर सके वेइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अब हमने उसको देखना है कि हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव हैं देन हमने एक सिलेक्ट बेस्ट ऑफ़ द ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज़ करना है देन उस चीज़ को एस्टेब्लिश करना है जो हमने एक अपना प्रॉपर ऑप्शन चूज़ किया है अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली देन उसको फॉर्मुलेट करना है उसके बाद हमने सेकेंडरी प्लान बनाने हैं देन सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉज़ को उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करवाना है देन हमने फॉलो अप एंड इवेलुएशन करना है सो प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट Analysis से हो रही है एनालिसिस से एंड एंड हो रही है फॉलो अप एंड एवेलुएशन से सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस एंड इसमें बहुत सारे हमारे मेथड्स भी होते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारा जो मोटिव है हमारी कंपनी किस चीज़ को देख रही है अपने फ्यूचर को वो क्या अचीव करना चाहती है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव सो हमने ऑब्जेक्टिव को भी प्लान करना है दैन स्टैंडिंग प्लान स्टैंडिंग प्लान इट मीन्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को हमने एक अच्छी तरह से डेवलप करना है ताकि हम उस चीज़ पर वर्क कर सकें और ये हमारे लिए गाइडलाइंस uh, दे सकता है हमारे लिए हेल्प कर सकता है ताकि हम प्रॉब्लम्स को रेकरिंग सॉल्विंग कर सकें उस चीज़ की सो so, अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इफेक्टिव मैनर में उसका मतलब है स्टैंडिंग प्लान स्टैंडिंग प्लान दैन मास्टर प्लान मास्टर प्लान मीन्स जब हम हमारे पास कंप्लीट कोर्स ऑफ एक्शन है हमारे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल टू अस देन हमने उस चीज़ को जस्ट उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है दैट इज़ मास्टर प्लान हमारे पास लास्ट ऑप्शन देन वी हैव लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग ये इनफ्लेक्सीबल है लिमिटेशन ऑफ फोरकास्ट की लिमिटेशन है कि हम एक सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं हम उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है हमें वो ऐसी चीज़ हैपन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती अनसूटेबिलिटी है कुछ लोगों को ये सूटेबल नहीं लगता टाइम कंज्यूमिंग है डेफिनेटली अगर हम प्लान कर रहे हैं तो वो टाइम तो लगेगा देन ये कॉस्टली है राइट एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी कई बार हमें गलत भी मिल सकती है एमरजेंसी uh, पीरियड के लिए हमें डिले हो सकता है हमें ऑन द स्पॉट हम इस चीज़ को नहीं कर सकते अगर हम प्लानिंग करने लग गए कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी हमारा पैसा लग रहा है पॉलिटिकल क्लाइमेट ट्रेडी ट्रेड यूनियंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी काफ़ी सारे आते रहते हैं देन ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं परेशानियाँ आ जाती हैं अनरिलाबिलिटी है यू कैन राइट ऑल द लिमिटेशन इन ऑबस्टेकल्स इट्सल्फ राइट लॉस ऑफ इनिशिएटिव एक्सपेंस ज़्यादा लग जाता है हमारी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बार बार बढ़ती रहती हैं सो दीज वर ऑल अबाउट प्लानिंग एंड फोकास्टिंग आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू सो मच